जी पंडित जी। दशरथ राज दुलारे हो न प्यारे, दशरथ राज दुलारे हो राज दुलारे हो सुधि भूले न प्यारे। मोर मुकुंद मत राखत कुंडल, मोर मुकुंद मत राखत कुंडल, धनुष बाण कर धार हो सुधि भूले न प्यारे, धनुष बाण कर धार हो सुधि भूले न प्यारे। दशरथ राज दुलारे हो सुधि भूले न प्यारे, अब तक रहा महासुख सगनी, अब तक रहा महासुख सगनी, अब गई हऊ काली सकार हो सुधि भूले न प्यारे, अब गई हऊ काली सकार हो सुधि भूले न प्यारे। दशरथ राज दुलार हो सुधि भूले न प्यारे। तुलसीदास आस रघुबर की, तुलसीदास आस रघुबर की, चरण कमल रत नारे हो सुधि भूले न प्यारे, चरण कमल रत नारे हो सुधि भूले न प्यारे। दशरथ राज दुलारे हो सुधि भूले न प्यारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी की उम्र 80 साल है, 80 साल में पंडित जी शास्त्रीय संगीत का और स्वयं हारमोनियम में इतना बहुत अच्छा गाते हैं जो दिल मन सब कुछ मोह लिया। वाह पंडित जी, मतलब क्या बोलें कि इस उम्र में भी उसी स्वर, वही स्वर और एकदम सही सुर लग रहे हैं आपके हारमोनियम में। क्या व्याख्यान करें पंडित जी, और दशरथ जी की आपने क्या वर्णन किया कि सुध भूलत ना हमारी। सबसे बढ़िया हारमोनिया है, हारमोनिया है, हारमोनियम है सबसे बढ़िया। मतलब हारमोनियम में पंडित जी इस उम्र में भी इतना बहुत ही अच्छा गायन और सुर के साथ स्वर को पकड़ के, सुर को बांध के जो प्रस्तुति दे रहे हैं वह अद्वितीय है। पंडित जी, हम ये आपका गाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और मैं यही चाहूँगा कि भगवान राम जानकी, लक्ष्मण राम जानकी की कृपा से ये गाना आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, पूरे विश्वव्यापी पहुँचे, ये गाना विश्वव्यापी पहुँचे और पंडित जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हों। इतनी अच्छी आपने रचना की, सुध भूलत ना हमारी, मतलब हाँ जी जी बनी और सुना दिए जी जी। पंडित जी बहुत ही अच्छा संगीत सुनाए, एक आध और अंतरा या मुखड़ा किसी और सुना दीजिए भगवान राम के ऊपर। तो ये उंगलियां चल रही हैं, 80 साल के ऊपर पंडित जी हैं और उनकी उंगलियां, और इतना अच्छा हारमोनियम चल रहा है और सामने अयोध्या मंदिर, लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी विराजे हुए हैं, उन्हीं को भेंट किया हुआ पंडित जी द्वारा स्वरबद्ध किया हुआ एक गीत भगवान के लिए समर्पित। समय दीन दुपहरी
श्री रामचंद्र की जय। जय भगवान। पंडित जी, आपकी उम्र जो है 80 साल की ऊपर है जी, और आप क्या रोज इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं क्या? और आवाज़ को कैसे संतुलित रखते हैं इतना, मतलब पक्का सुर? कुछ प्रभु को भजन सुनाया करते हैं जी, उसके थारसार थपता समझते हैं जी, प्रभु की सेवा माहे कुछ भजन सुनाया करे प्रभु को जी, इतना थोड़ा अभ्यास रहता है। अभ्यास तो रहता, लेकिन 80 साल की उम्र में, 80 साल की ऊपर आपकी उम्र है, तो उसमें हार्ट की बीमारी भी है, हार्ट के रोगी भी हैं जी, लेकिन लेकिन तो फिर हार्ट लग चुका है। अच्छा अच्छा, अब प्रभु की इच्छा जब तक लिए है। अच्छा अच्छा, दो बार पंडित जी को हार्ट अटैक भी आ चुका है, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पण और ये देख के भक्ति भाव, वो गायन को उसी तरीके से बरकरार रखे हुए हैं, और बहुत ही अच्छे ये सारी जो गीत लिखे हैं ये आपने स्वयं लिखा हुआ है? हाँ, पहले
लड़कपन में हम ज़्यादा संगीत गाते पीते थे, सत्संग करते थे जी, संतों के साथ रहते थे, भजन अंधियों के साथ रहते थे, सुनते जानते थे, गाते जी, तो वही अभ्यास थोड़ा चल रहा है पंडित के पास। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छा लगा। मैं विजय गुप्ता, और मतलब आपके भजन सुन के मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। मतलब यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, अभी देखिए चारों तरफ से भीड़, सभी जगह लोग मतलब मंत्रमुग्ध होगी यहीं पे आ गए। कोई जगन्नाथ मंदिर में था, कोई ये क्या कहते हैं रघुनाथ स्वामी जी मंदिर में था, कोई तिरुपति मंदिर में था, कोई रामेश्वर मंदिर में था, कोई बद्रीनाथ जी मंदिर में था, लेकिन पंडित जी ने ऐसा भजन गाया कि सब लोग कहते ना कि कोयल की आवाज़ सुन के सब एक जगह केंद्रित हो जाते, उसी तरीके से सब केंद्रित हो गए। पंडित जी एक बार अपना नाम और बताइए, जो हम अपने धार्मिक बंधुओं को, दर्शकों को और हिंदू संस्कृति मंच को आपको हीरामन तिवारी। मतलब बहुत ही अच्छे संगीतकार, संगीतबद्ध किया हुआ, खुद का लिखा हुआ, खुद का संगीत दिया हुआ, खुद की आवाज में पंडित जी ने बहुत ही अच्छा गाया जी। और नंबर दे दीजिए पंडित जी, अपना बोल रहे हैं। हाँ नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नहीं रखता है, मोबाइल वाइल नहीं नहीं रहता जी। पंडित जी से आपको मिलना है, पंडित जी का संगीत सुनना है, और समस्त भगवानों के एक छत के नीचे दर्शन करना, चारों धाम की यात्रा एक जगह करना है, तो आप लक्ष्मण बाग मंदिर पधारिए। रीवा बिछिया रीवा में स्थित है, और बहुत ही सौंदर्य, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुद्ध हवा, जल, वायु, पानी, वानर के दर्शन, कोयल पक्षी के दर्शन, मोर के दर्शन यहाँ कीजिए, और गौशाला भी है, और कुआं भी है जहाँ पे संपूर्ण तीर्थों का जल है, कुंड भी है जहाँ से लोग स्नान करके यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं, बापू भवन भी है जहाँ पे बापू का अस्थि कलश वगैरह रखा गया था। तो मतलब क्या बोलें इस जगह के बारे में, क्या बोलें, मैं तो वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अंतिम में आप कुछ बोलना चाहें तो आप लोग ही बोल दीजिए। यहाँ पे श्रद्धा से हम लोग आए हैं जी, और लगभग रीवा संभाग पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पे आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जी, और उस दिन बहुत ही तांता सा लगा रहता है, दर्शन के लिए लाइनें लगती हैं, काफ़ी संख्या जनमानस बहुत रहता है। लेकिन जो रेगुलर आना चाहिए वो नहीं आ पाते। हाँ, नियमित रूप से जो दर्शनार्थियों का तांता लगे, भंडारा लगे, लोग यहाँ पे आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेंज करें, इसको पर्यावरण केंद्र, पर्यटक केंद्र के रूप में स्थापित करें, वो कमी हो रही है। एक वेतन की भी कमी हो रही है, जो मेरे ख्याल से सभी लोग, जितने ज़्यादा ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे गाना का भी लाभ लेंगे और दर्शन का भी लाभ लेंगे। एक समस्या ये है जो यहाँ पे आज आने के बाद मुझे पता चला है जी, कि यहाँ पे एक रुपये और दो रुपये सिक्के जो भी यहाँ पे आके श्रद्धालु अर्पण करते हैं वो यहाँ रीवा में चलते नहीं हैं जी। तो अभी मैंने करीब 600 रुपये के जो है 500 रुपये के कलेक्ट किए हैं जी, और ये प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि जब एक रुपये या दो रुपये के सिक्के नहीं बंद हुए हैं तो यहाँ पे चल क्यों नहीं रहे जी। और यहाँ पे काफी सिक्के हैं जी, अच्छा अच्छा, मतलब ये सिक्के नहीं चलते यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो उसका क्या उपयोग, क्या उपयोग उसका, क्या उपयोग है? मतलब लोग क्या करते हैं, दर्शनार्थी जो आते हैं, जब सिक्के यूज नहीं होते तो वही सिक्के डाल देते हैं। मतलब वो बात तो वही हो गई, 500 की नोट बंद हो गई, वही नोट को यहाँ पे डाल दिया, तो उस नोट का क्या वैल्यू, क्या यूज, यही थोड़ी ना बंद किया है। अच्छा, ये तो जबरदस्ती है, अच्छा वो तो सिक्के नहीं लिए जाते। अच्छा अच्छा, ये जानकारी मुझे नहीं थी। खैर, हम तो अभी चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है जी जी। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि माँ जानकी मंदिर में, जहाँ पे लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी विराजे हुए हैं, उस मंदिर के अंदर बैठ के हमने जो अभूतपूर्व संगीत सुना, जो संगीतबद्ध है पंडित जी का, जो आवाज़ है पंडित जी की, म्यूज़िक है पंडित जी की, उसको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। Yeah, okay.
शेयर भी करें। वाह 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 वाह, ये आपने सबसे सही बात बोली। जी रोगी जी आदमी ने सुनाया है। अरे दो दो हार्ट अटैक आने के बाद 85 वर्ष के पंडित जी ने जी चाहे जी बंद नहीं से हो चाहे जनमानस से हो यहाँ का नहीं लेता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और पंडित जी 85 वर्ष के पंडित जी को दो बार हार्ट अटैक भी आ चुका है लेकिन उन्होंने गाना नहीं छोड़ा जी। एक और गा रहे लगता है पंडित जी। चलिए धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम।